सूरज की पहली किरण के साथ ही उसकी लालिमा को समेटे हुए दिन प्रतिदिन के काम में जुट जाती हैं ग्रामीण महिलाएं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इन्हें साथ लेकर कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 19 मार्च 2016 को सखी कंपनी का एक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में गठन किया गया। दो महिलाओं की तस्वीर वाला कंपनी का पहचान चिन्ह महिलाओं की एकता व शक्ति और उनके संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप होने वाले विकास को दर्शाता है। आज की तारीख में सखी कंपनी अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और चुरू के 600 गांवों से दूध संकलन कर रही है, जहां केवल उसकी महिला सदस्यों का दूध ही स्वीकार किया जाता है। ये महिला दूध उत्पादक सदस्य सखी कंपनी में दूध आपूर्ति कर अपना व अपने परिवार का जीवन संवार रही हैं। प्रत्येक एमपीपी की निष्ठावान सदस्य महिलाएं, जो सबसे अधिक दिन दूध की आपूर्ति करने के साथ साथ वार्षिक दूध आपूर्ति के अनुरूप हिस्सा राशि में योगदान करती हैं, उनका चयन कर ग्राम संपर्क समूह VCG का गठन किया जाता है, जिनकी केंद्र पर हर माह बैठक आयोजित की जाती है। वे गुणवत्ता युक्त दूध समय पर दूध संकलन केंद्र पर पहुंचाकर कंपनी की नींव को मजबूत बनाए रखने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। इस कार्य में मदद करते हैं कंपनी के अनुबंधित सहायक, जो दूध संकलन के समय से 20 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचकर नियमित रूप से कक्ष व उपकरणों की साफ सफाई कर कंपनी द्वारा तय बिंदुओं और मानकों को ध्यान में रखते हुए दूध संकलन के कार्य का निष्पादन करते हैं। सखी कंपनी द्वारा जो दूध उत्पादन वर्धन सेवाएं सदस्यों को उपलब्ध कराई जाती हैं, वे इस प्रकार हैं: उच्च स्तरीय कृत्रिम गर्भधान सेवाएं व गर्भ चार्ज, संतुलित आहार कार्यक्रम RBP, साइलेज प्रदर्शन, थनेला की जांच व उपचार। गांव के अन्य दूध उत्पादकों को सखी के सदस्य बनने और दूध आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वह गांव की समस्त सूचनाएं बैठक में कंपनी के कर्मचारियों को बताने की जिम्मेदारी लेती हैं। ग्रामीण दूध उत्पादक महिलाएं सखी कंपनी की सदस्य बनकर सम्मान सहित आत्मनिर्भर होने का अनुभव कर रही हैं। हमारा नाम रेणु है और हम बिस्नालाबाद से बोलते थे, और हम जिस सखी डेयरी से जुड़ने से पहले जो दूध है वो दूध देते थे ने, वो नहीं तो तोल सही करता था और नहीं हमारा पैसे टाइम पर देते थे, और हम सखी डेयरी से जुड़ने के बाद में हमारा पेमेंट भी सही 10 दिन आ जाता है, और दूध का मैसेज भी आ जाता है, और हमें रेट भी सही देता है, और हमें पहले तो एक ही गाय रखते थे दूध और दूध देने से पहले से, अब सखी से जुड़ने के बाद में हम ये 10 गाय बढ़ा लेनी और हमारा पेमेंट सही 10 दिन आ जाता है। हाल ही में कंपनी ने सदस्यों के मोबाइल पर दूध संकलन का पूरा विवरण मैसेज और ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराना भी शुरू कर दिया है। मेरा नाम यशोदा है और गांव छजूसर हूँ। पहले मैं दूध देता जब तो मन रुपयों को पता कौन चाल तो कत्ता रुपया आ गया कत्ता गया, और अब सखी डेयरी खुलने के बाद में मैं दूध डेयरी में देवा तो जितना भी रुपया में जगह हर 10 दिन खत्म आ जाए और अच्छी तरह रेट मिले भी। कोई एक ऐप भी है मिल्क प्रोडक्ट ऐप भी, उनके वह पूरी डिटेल जान सका कि पीछे दियो भी को भी रिजल्ट आवा, और जितो भी डेली देखे भी को भी रिजल्ट आवा, और जितना रुपया आया वह तुरंत 10 दिन खत्म आ जाए। सखी डेयरी की क्वालिटी कंट्रोल टीम द्वारा
आधुनिक प्रयोगशाला में भारत सरकार के विभिन्न मानकों के अनुसार दूध की जांच की जाती है, जिससे दूध की गुणवत्ता पर कोई आंच न हो और दूध की शुद्धता बरकरार रहे। इसके पश्चात ही दूध उपलब्ध कराया जाता है। सखी डेयरी 14 महिलाओं से शुरू हुई, जो आज हजारों महिलाओं में बदल चुकी है। सखी कंपनी अपनी सदस्याओं के कौशल विकास व क्षमता विकास हेतु समामी समय में प्रशिक्षण आयोजित करती है, ताकि लाभान्वित महिलाएं प्रशिक्षित व जागरूक होकर नई तकनीकों को अपनाकर दूध व्यवसाय से होने वाली कमाई में वृद्धि कर स्वयं आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।